इन इंडिया मैं तो कि कि कह रहा हूं मैं तो सुनिए मेरी मैं, मैं बात, बात, बात सुनिए इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा आप भी कहा गाजे राज खोल देते इन लोगों के? अरे सुनिए ना ऐसा है कि इनके यहाँ का इनके यहाँ का पूरा पढ़वा, ले तो चलिए पूरा पड़वा सुनिए द पीस पार्टी विल कंटेस्ट एज पार्ट ऑफ एन अलायंस द पार्टी डिसाइडेड

अब देखिए मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि यदि ये मानने को तैयार है जो देश की जनता मार रही है स्वीकार रही है कि नरेंद्र मोदी जी ही वो व्यक्ति है जिन्होंने आज भारत को उसके सच्चे स्थान पर ले जाने का दसवें से पांचवे स्थान पर ले जाने का गरीबों के लिए ग्यारह करोड़ टॉयलेट बनाने का गरीबों के लिए दस करोड़ उज्ज्वला योजना देने का काम किया है अगर ये हमारे विकास के काम को स्वीकारने के लिए तैयार है तो इस पर यह अपना एप्लीकेशन दे दे लेकिन देखिए बार बार जो कॉमिनल कहा जाता है कॉमिनल 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 एक लाइन बोली जाती है कॉमिनल है अभी बोला गया कि जदपुनावाला जी ने जय राम के नारे से शुरुआत क्यों करी प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के सेशन में गए तो राम राम की बात क्यों करी लेकिन ये जो कम्युनल 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 और सेकुलरिज्म 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 का एजेंडा आप बार-बार बोला जाता है आप सोच के देखिए इस देश के अंदर एक नूपुर शर्मा थी जिसने कुछ खराब शब्द बोले एक विशेष धर्म के लिए तो वो छुप कर बैठी है अपने घर में और वो बाहर नहीं निकल सकती उसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए एक मनोवर फारूकी था जिसने प्रभु राम के बारे में क्या कुछ कहा था वो एक बड़ा प्रोग्राम जीत गया कितने हजारों की भीड़ उधर आ गई तो अब सेकुलरिज्म क्या है ये दो चीजें उसको बहुत अच्छे से दर्शाती हैं तो ये भारत ही है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है और मैं आपके पास आता हूं क्योंकि तो आप पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं सत्यप्रकाश जी

तो इस तरह से इस घटघट में जहां राम फैला हो अगर वहां कोई राम नाम कहता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते तुम सांप्रदायिक हो मैं किसी को नहीं बोला मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ा हूं तो कभी किसी ने मुझसे नहीं कहा किसी ने मुझे सलाम कहा मैंने किसी को सलाम कहा तो ये सांप्रदायिकता नहीं ये संस्कृति है इस संस्कृति से ओत प्रोत चीजों को भारत से आप अलग नहीं कर सकते भारत को इन संस्कृति से अलग नहीं देख सकते सुनिए संस्कृति राजनीति संस्कृति की संवाहक होती है दिक्कत क्या है

समाजवादी विचारधारा समाजवादी विचारधारा का एबीसी भी नहीं पता है मेरे जेडीयू के मित्र को आपको नहीं मालूम है आपको बिल्कुल नहीं मालूम है आप ऑफ को पढ़ लीजिए बच्चों ने नौवीं और दसवीं का इतिहास पढ़ा है उनसे पढ़िए आप पहले और ये खड़े हैं आपको बिल्कुल समाजवादी आपको आपने कहा समझा आप महामूर्ख हैं राम को दिखाएंगे संस्कृति संस्कृति अरे आप, आप लिखे नहीं नहीं क्या आपने 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 बोला आपने बोला समाजवादी पार्टी सच्ची सोशलिस्ट है इस देश के अंदर अच्छा ये आपने बोला आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी आपने बोला समाजवादी पार्टी सच्ची सोशलिस्ट है लालू यादव की पार्टी भी सच्ची सोशलिस्ट होगी भाई ठीक है मैं जानना चाह रहा हूँ दल है लालू यादव जी की पार्टी भी सच्ची नहीं कभी धर्म के के नाम पे वोट लिए सोशलिज्म में ये सिखाया जाता है कि पहले आप मुख्यमंत्री बनो फिर अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ उसके बाद अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाए अगल से बगल से अपने सब रिश्तेदारों को सांसद, मंत्री तहसील का प्रमुख बना दो क्या सोशलिस्ट राजनीति बताती है अगर बताती है, तो सीने पे हाथ रख परिवारवाद मैं अनुराग ठाकुर कौन है कौन एक्स चीफ मिनिस्टर का बेटा ठीक है वसुंधरा राजे का बेटा कौन है भाजपा में है पंकज सिंह कौन है गे में पचास की लिस्ट कि कितना परिवार मत भाजपा में है हर हर तो है वो वो को उठा करके साहब साहब वो का इनकम टैक्स रिटर्न थे पहुंच गए के चीफ उनकी संस्कृति है जवाब दे दू इन्होंने अभी कहा कि राजनीति में संस्कृति तेरा क्या काम ठीक है आपको पता होगा कि संविधान की ओरिजिनल प्रतिलिपियों में कॉपी में प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण जी की तस्वीरें हैं इंगित है और आपको ये भी, भी पता होगा प्लीज बीच में मत बोलिए आपने तो अभी तक अपने चिन्हों को नहीं मिटाया भाई अब तो आप भी चौहान अभी थी भी, थी भी, थी भी थी हो ये तो अभी भी चौहान है भाई चौहान अभी भी है कहाँ मिटा सुनिए ना अरे भाई प्लीज दूसरी बात महात्मा गांधी को सबसे बड़ा आप राजनेता हमारे राष्ट्रपिता मानते हैं महात्मा गांधी जी की राजनीतिक परिकल्पना क्या थी राम राज्य उनका फेवरेट भजन क्या भजन क्या था रघुपति राघव राजा राम उनके आखिरी शब्द थे राम तो क्या उन्होंने गलत किया और ते तो ते 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 तेरू नाम सीताराम गांधी का है शब्दी का महात्मा गांधी का राम राम है वो नहीं है। अभी राम वो हैं। राम देश है। तो राम राम है। के है। है। राम राम अलग हो सकती है गांधी के राम की कल्पना अलग हो सकती है लेकिन राम एक ही है जो निस्वार्थ है जो भावों से बड़े हैं और कहते हैं ना राम से बड़ा तो राम का नाम है इसीलिए 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 महत्वपूर्ण है ओके okay, जवाब हर 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 सेकंड से से राम, 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 राम। से से ऐसा है मोदी जी ने अभी अयोध्या में जब उन्होंने संबोधन दिया था उन्होंने बोला कालचक्र कैसे घूमता है जो कल तक रोम रोम करते थे और राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे वो भी राम राम करने लगे हैं ये है राम जी की राम जी की कृपा और एक बात मैं अच्छी, अच्छा वाक्य सुना रहा था ये जावेद अख्तर ने लिखा है उसने लिखा है कि घर घर में राम हर अंगन में राम ये कह रहे ना इसके राम उसके राम अरे मन से रावण जो हटाए राम उसके मन में है तो, तो आपने आपने मन से रावण को हटाए तो राम आप वही लिखा लिख जाएंगे तो